ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, क्या आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं? क्या आप भी उन तमाम विद्यार्थियों में से हैं जिनका एक अटेम्प्ट कोविड 19 की वजह से खराब हो चुका है? या आप उन तमाम विद्यार्थियों में से हैं जो आज जंतर मंतर पे कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा चांस, एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या आप वह विद्यार्थी हैं जो कोविड 19 पेंडेमिक और त्रासदी की वजह से जो कह सकते हैं पिछला अटेम्प्ट सही तरीके से आप प्रिपेयर ना कर सके और परीक्षा में सही कह सकते हैं तैयारी के साथ ना बैठ सके? क्या आप वह विद्यार्थी हैं जो कि आज सरकार से आप अपनी मांगे पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे एक एक्स्ट्रा चांस, एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, एक और अवसर मिलना चाहिए? माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स का इस मगध पुत्र यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूपीएससी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वह जंतर मंतर पे कह सकते हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर। भले ही स्टूडेंट की जो संख्या है वह लिमिटेड है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि ड्यू टू कोविड 19 और पेंडेमिक और वायरस की वजह से जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कह सकते हैं क्राउडिंग की जो है लिमिटेशंस कर दी गई है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, क्या जो अभी जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, या जितनी जगह 5 स्टेट में कह सकते हैं चुनाव चल रहा है, क्या उन राजनेताओं के लिए कोविड 19 का कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है जिन्होंने कह सकते हैं अपने जनसभा में लाखों और कह सकते हैं करोड़ों की भीड़ जुटाने के लिए खुली छूट दे रखा है और सिर्फ प्रदर्शन के कह सकते हैं कि रोकने के लिए यह एक बहाना बनाया गया है कोविड 19। और अगर ऐसा है भी तो फिर यह नियम सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही लागू क्यों होता है? यह नियम तमाम सिटीजन्स हैं जो कि इंडिया में अभी हैं, उन तमाम लोगों के लिए यह नियम इक्वली इंप्लीमेंट होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वह तमाम विद्यार्थी जो है एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, एक एक्स्ट्रा चांस और कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा मौका, एक अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं, वह इसलिए मांग रहे हैं ताकि कोविड 19 की वजह से कह सकते हैं जो वह त्रासदी, जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी, जो पेंडेमिक की वजह से वह जो सफर किए हैं, जो अपनी प्रिपरेशन सही ढंग से ना कर सके, उन्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन प्ली तो सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यह एक गवर्नमेंट का कह सकते हैं पॉलिसी डिसीजन मेकिंग जो पावर है, यह एक सरकार का कह सकते हैं फंक्शंस है, या आयोग के द्वारा या सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा और भविष्य में कह सकते हैं निर्णय कह सकते हैं विद्यार्थियों के पक्ष में आए, इसके लिए विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि जैसा कि आप देखे होंगे इस त्रासदी में, इस लॉकडाउन में कह सकते हैं कि सारी की सारी इकोनॉमी शट डाउन हो गई, इकोनॉमी स्ट्रेस में आ गई, कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो -27% कॉन्ट्रैक्शंस में चली गई। अगर इस पेंडेमिक, इस कोविड 19 की वजह से अगर अर्थव्यवस्था पेंडेमिक में चली जाती है, बहुत सारे कह सकते हैं बड़े बड़े कंपनियां जो है वो दिवालियां होने पर आ जाती है, बहुत सारे कह सकते हैं बैंकों का जो है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ने लगता है, तो क्या यह जो इसी देश में रह रहे विद्यार्थी, अपने प्रिपरेशन कर रहे विद्यार्थियों पर इस पेंडेमिक का कोई असर नहीं पड़ेगा? माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एक ऐसे विद्यार्थियों को देखा है कोविड 19 में और कह सकते हैं जो रूरल बैकग्राउंड से थे, उनके परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो मोर देन 95% थे, 96% के विद्यार्थी थे जिन्होंने इस कोविड 19 में कह सकते हैं दर दर भटक रहे थे एक कह सकते हैं रोजगार के लिए। वह इसलिए क्योंकि उसके पिता किसी ग्रामीण कह सकते हैं परिवेश में रहकर, किसी रूरल इंडिया में रहकर काम करते थे और अपने कह सकते हैं पुत्रों को वह पैसा भेजा करते थे ताकि मेरा पुत्र जो है यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर सके और एक यूपीएससी सिविल सर्वेंट के रूप में कल देश का कह सकते हैं एक समाज सेवा करने वाला और राष्ट्र की सेवा करने वाला और कह सकते हैं कि एक आईएएस और एक कलेक्टर और एक डीएम बन सके। लेकिन इस कोविड 19 की वजह से बहुत सारे कह सकते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के जितने भी कह सकते हैं उनकी पारिवारिक और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो चरमरा गई, उनके पिता का, उनके परिवार का रोजगार चला गया, जिस वजह से कह सकते हैं उनकी तैयारी ढंग से ना हो सकी। एक कह सकते हैं कि दिल्ली में रहने वाले या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे क्लोज डाउन हो गए,
विद्यार्थी करे तो करे क्या, वह जाए तो जाए कहां। अब विद्यार्थी खुद भी अगर कहीं रोजगार खोजने जाता वह उसे अवेलेबल नहीं होता, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो माय डियर फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि इस COVID-19 में जैसे अगर इकोनॉमिक स्ट्रेस में आया, विद्यार्थी भी स्ट्रेस में आए। अगर इकोनॉमी रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है बहुत सारे जैसे फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गए, बहुत सारे आत्मनिर्भर पैकेज हो गए, अन्य योजनाएं हो गए, जितने भी इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए कह सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप उठाए गए, यह किस लिए उठाए गए, ताकि COVID-19 में कह सकते हैं COVID-19 की त्रासदी की वजह से इकोनॉमिक में जो स्लो डाउन आया है, इकोनॉमिक में जो कंस्ट्रक्शन आए हैं उसे रिवाइव कर सके और भारत प्रतिव गति से आगे बढ़ सके। माय डियर फ्रेंड्स, क्या यह आवश्यक नहीं है कि जो विद्यार्थी इस COVID-19 की त्रासदी में सफर किए हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिलना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप भी उन तमाम विद्यार्थियों में से हैं जो एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी, एक एक्स्ट्रा चांस की अपेक्षा रखते हैं, तो आप यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दिल्ली में बैठे उन सत्ताधीशों को यह पता लग सके कि उन्हें जो है यह अपॉर्चुनिटी क्यों चाहिए। वह COVID-19 की वजह से जो सफर किए हैं और जो अपनी तैयारी ढंग से ना कर सके हैं उसकी वजह से उन्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि आप इतने शेयर करें, इतने शेयर करें, इतने शेयर करें कि यह जो है सत्ताधीशों तक पहुंच सके, उन तमाम सरकारों तक पहुंच सके, उन तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास पहुंच सके जो कहते हैं कि विद्यार्थियों को अब अवसर नहीं मिलेगा। अब हमें अवसर लेना है, सरकार से यह मांग रखनी है, क्योंकि यह सरकारें हमेशा युवाओं की बात करती है, हमेशा कह सकते हैं यूथ की बात करती है। तो इंडिया के यूथ और इंडिया के जितने भी कह सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट्स हैं, आकांक्षी हैं सिविल सेवा परीक्षा के लिए, और जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग करते हैं वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और तमाम उस कह सकते हैं सरकार तक पहुंचाए, ताकि वह विवश भी हो सके और हमारी मांगों को मानने के लिए वह बाध्य हो सके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।